हेलो, मैं हूं डॉक्टर विभूति शर्मा और आप हैं संजीवनी होम्योपैथी के इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूं, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी टॉपिक है। और इस टॉपिक ये टॉपिक थोड़ा सा मेडिकल साइंस से हटकर है, लेकिन मेडिकल साइंस में इसका बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है आजकल। आजकल COVID-19 के केसेस को कम करने के लिए गवर्नमेंट सब तरह से कोशिश कर रही है और सभी जगह देश में लगभग सभी स्टेट्स की गवर्नमेंट ये काम कर रही है। प्रोसेस है सैनिटाइजेशन की, और सैनिटाइजेशन की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज सामने आई है, वो है सैनिटाइजेशन टनल। तो जो सैनिटाइजेशन के लिए टनल यूज होती है वो क्या होती है, उस पर हम बात करते हैं। देखिए, सैनिटाइजेशन टनल जो है ये ऐसे तो देखा जाए तो देश में, दुनिया में बहुत जगह यूज हो रही है, लेकिन इसका कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था चाइना से ही और बहुत सारे देशों ने इसको यूज किया है। चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसने इसको पहले बनाया था और उसने अपने ऑफिसेज में यूज किया था इसको। अब इसका एक मैं बोलूं इसको देसी जुगाड़ बोलूं ज्यादा अच्छा होगा, वो बनाया गया है इंडिया में, और सबसे पहले तमिलनाडु से शायद ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी जो बना है, मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो बना है छत्तीसगढ़ में। हाँ, मैं जिस जगह पे हूं, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, और छत्तीसगढ़ की राजधानी में ये जो टनल है वो किस तरह से बनाई गई है वो मैं बता रहा हूं, और वो उसका वीडियो मैं आपको यहां पर शेयर करूंगा। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि टनल काम कैसे करती है। ये टनल एक तरह का चैम्बर होता है और इसमें एक तरह से एंट्री एक तरफ से एग्जिट होता है, और इसमें लगे होते हैं मिस्टिंग सिस्टम, मतलब फव्वारे, फव्वारे जिसमें बहुत तेजी से एक मिस्ट जैसा निकलता है। जो मटेरियल होता है वाटर में मिक्स करके बनाया जाता है, 70% अल्कोहल प्लस 1% 5.5% टू 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड। थोड़ा इरिटेटिंग सब्सटेंस है सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसलिए इसको डाइल्यूट करके ही रखा जाता है, और स्ट्रांग डिसइंफेक्टेंट मटेरियल होता है। ब्लीचिंग पाउडर भी कुछ जगहों पे उसमें यूज किया जा रहा है, कुछ जगहों में, जहां पर केरला के साइड कुछ जगहों में इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन्स का भी यूज हो रहा है, जो भी डिसइंफेक्टेंट में यूज होती हैं। तो खैर, बहरहाल ये बात जरूरी है जानना कि ये किस तरह की टनल है और टनल करती क्या है। टनल करती ये है कि इस टनल से अंदर से जब आप गुजरते हैं तो मिस्टिंग सिस्टम से आपके बॉडी में फ्रंट पे, आपके फेस पे और पूरी होल बॉडी पे, सामने पीछे सब तरह से आपको मिस्टिंग सिस्टम के बीच में से होकर गुजरना पड़ता है, और ये आपकी पूरी बॉडी को एक साथ डिसइन्फेक्ट करती है। आपको अपने दोनों हाथों को ऊपर खोल के और फिर चलना होता है, जैसा इसमें दिखाया गया है। कुछ लोग चल रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसका प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन दिखाया हुआ है, और ये इंस्टॉल हुई है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारी मशीन्स बनवाई हुई हैं, ऐसे बहुत सारी टनल बनवाई हैं, और इसमें एक खास बात यह है कि इसमें आपको 3 से लेके 5 सेकंड तक रहना है। 5 सेकंड बहुत होता है, 5 सेकंड आपको सैनिटाइज करने के लिए काफी है। मटेरियल यूज हुआ है 70% अल्कोहल, जिसको हम स्पिरिट बोलते हैं, और 1.5 से 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट विथ ब्लीचिंग पाउडर। एक्सीलेंट मटेरियल और सैनिटाइजेशन के लिए बेस्ट टेक्निक है, और सबसे अच्छी बात है ये सस्ता है। मैंने कॉस्टिंग के बारे में इनकी बात नहीं की, लेकिन हम इसे अलग अलग तरीके से बना सकते। तो मैं दो प्रकार की टनल यहां पे बता रहा हूं, एक छोटी है एक बड़ी है। जो बड़ी वाली है वो रायपुर छत्तीसगढ़ में इंस्टॉल हुई है, और एक छोटी वाली है जो बालाघाट एमपी में इंस्टॉल हुई है। एमपी में जो जगह थी वहां पे प्राइवेट था, मुझे किसी ने भेजा था, मैंने उनको बोला कि मैं आपके इसको वीडियो में डाल रहा हूँ और ये बहुत अच्छा अच्छी चीज है, तो उन्होंने मुझे हामी भरी और मैं ये भेज रहा हूँ। और वो जो बालाघाट वाली जो टनल है वो प्राइवेट टनल है, प्राइवेट एक किसी ने बनाई और फिर उसे गिफ्ट किया। ये बहुत अच्छी बात है और एक अच्छा दृष्टिकोण है, मानवता के लिए बहुत अच्छा दृष्टिकोण है, और लोगों को बहुत हेल्प होने वाली है। तो चलिए, इस वीडियो को यही मैं रोक रहा हूं, और आगे आप देखेंगे वो टनल जो काम कर रही है अभी, और जितने लोग उसके बीच से गुजर रहे हैं वो सब सैनिटाइज हो रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और समझिएगा टनल कैसे काम करती है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी बात की है कि इन्होंने जरूरत के हिसाब से पंप जो फिट किया है वो बहुत अच्छे से पंप फिट किया है, मिस्टिंग सिस्टम बहुत अच्छा यूज किया है, स्ट्रांग बॉडी है ताकि बहुत लंबे समय तक इसका यूज किया जा सके, और बाकी अलग अलग टाइम पे भी इसका उपयोग हो सके COVID-19 के केसेस में भी और आगे भी जब जरूरत पड़ती है। तो दूसरी चीज, एक और बहुत अच्छी चीज इसमें है कि इसमें लगातार ये चलती है, बंद नहीं होती, क्योंकि इसमें
1000 लीटर और 2000 लीटर की टंकियों का यूज हुआ है, जिससे मटेरियल आता है और उसको पंप के माध्यम से मिक्सिंग सिस्टम में डाल दिया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, देखिए समझिए और अप्रिशिएट कीजिए और जरूर शेयर कीजिएगा अपने लोगों तक जहां जहां तक इसको भेज सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। बॉडी हुए कि नहीं।